बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हुमा अहमद के चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। मैं आज इस वीडियो में फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर ऐप के आइकन पर अपनी या कोई भी पिक्चर लगाने का तरीका बताऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। सबसे पहले प्ले स्टोर के ऐप को ओपन करेंगे और सुपर पी लॉन्चर 4P9.0 लॉन्चर थीम को इंस्टॉल करेंगे। देन जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। मेरी आपसे एक और गुजारिश है कि बेल के बटन को हिट कर दीजिए और नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचे उसके लिए आप ऑल के बटन को प्रेस कर दीजिए। शुक्रिया। बस ये हमारा ऐप डाउनलोड होने वाला है, डाउनलोड हो चुका है। अब इस ऐप को हम ओपन करेंगे, सुपर पी लॉन्चर को। इंटर के बटन को प्रेस करेंगे, देन ओके के बटन को प्रेस करेंगे। ठीक है, ये हमारा थीम चेंज हो चुका है सुपर पी लॉन्चर का। अब हम व्हाट्सएप के आइकन को क्लिक करेंगे, लॉन्ग क्लिक, देन एडिट के बटन को प्रेस करेंगे और अपने व्हाट्सएप के नाम को चेंज करेंगे। मैं यहाँ व्हाट्सएप के नाम की जगह नाम लिख रही हूँ, अपना नाम हुमा अहमद, और फिर ओके कर देंगे तो हमारा यह आइकन का नाम चेंज हो जाएगा। अब हम व्हाट्सएप आइकन पर प्रेस करेंगे, फिर ये ऑप्शन आएंगे, उनमें से हम फ्रॉम पिक क्रॉप एज स्क्वायर वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। फिर ये दो ऑप्शन आएंगे, गैलरी और फोटोज। फोटोज जो गूगल फोटो भी होती हैं, हम गैलरी को क्लिक करेंगे। कोई भी एक पिक्चर सिलेक्ट करेंगे, देन जस्ट वंस को क्लिक करेंगे। जस्ट वंस को क्लिक करने के बाद पिक्चर आ जाएगी, देन हम सेव पर क्लिक करेंगे। देन ओके। फिर हम इस आइकन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, हुमा अहमद के आइकन पर। फिर हम एडिट पर प्रेस करेंगे, आइकन को अगेन प्रेस करेंगे। फिर हम फ्रॉम पिक क्रॉप एज सर्कल पर क्लिक करेंगे और इन दो ऑप्शंस में से गैलरी पर क्लिक करेंगे। फिर हम कोई भी एक पिक्चर सेलेक्ट करके उस आइकन पर फिट करेंगे। ये पिक्चर सेलेक्ट की हमने, देन जस्ट वंस, पिक्चर सेलेक्ट है, अब हम सेव कर देंगे और फिर ये हम ओके पर क्लिक कर देंगे। देखें, हमारे व्हाट्सएप के आइकॉन की पिक्चर सेव हो गई है। इसी तरीके से हम बाकी पिक्चर्स भी सेट कर सकते हैं, अपने बाकी आइकॉन्स पर भी, और नाम भी सेट कर सकते हैं। इसी के साथ हुमा अहमद को दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह नेगेमान।